अस्सलाम वालेकुम वीडियो ते बीबियां की हाल है। मैं भी ठीक है शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा आज असी बड़े मजे दी मरक्कन रेसिपी बना रहे हैं जेजे हमर, बहुत मजे की है ये, आप जरूर बनाएं। तो आइए शुरू करते हैं। टाइम वेस्ट किए बगैर सबसे पहले लिया ये कोरिएंडर, इसमें जाएगा क्योंकि मेरे पास चिकन ज्यादा है, तो आप अपने हिसाब के मुताबिक जितना चिकन हो उसके मुताबिक आप डाल सकते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे ले रही हूँ 3 टेबलस्पून चिकन और दही, ठीक है, और इसमें जाएगा 3 से 4 टेबलस्पून ऑलिव ऑयल। आपको जो आप जो सा यूज करते हैं आप वो डालें, लेकिन मेरे पास ऑलिव ऑयल है तो मैं वो डाल रही हूँ। अच्छा जी, इसके बाद आ जाता है अनियन पाउडर, ये मैं 1 टेबलस्पून डालने लगी हूँ। अगर आपके पास चिकन थोड़ा है तो आप थोड़ा डालें, ठीक है, वैसे भी इसमें 1/2 टीस्पून चला जाएगा, ठीक है। यहाँ पे सिनेमन पाउडर है वो मैं 1/2 टीस्पून डालूंगी क्योंकि ज्यादा नहीं। अच्छा जी, पेपरिका पाउडर ये मैं 1 टेबलस्पून डालूंगी भर के। अच्छा जी, यहाँ पे मैं 1 टेबलस्पून ही ब्लैक पेपर डालूंगी ताकि मेरे घर में थोड़ा स्पाइसी खाया जाता है तो इसलिए स्पाइसी होगा। और अच्छा जी, 1/2 टीस्पून मैं इसमें डालूंगी सॉल्ट क्योंकि थोड़ा सा इसमें स्पाइसी होना चाहिए। और यहाँ पे जा रही है जी हल्दी 1 टीस्पून, जिंजर गार्लिक का पाउडर 1/2 टीस्पून, लेकिन मेरे पास चिकन ज्यादा है तो मैं इसमें 1 टीस्पून भर के डालूंगी। अगर आपके पास पेस्ट है तो पेस्ट डाल ले, कोई इशू नहीं है, जिस तरह थोड़ा दिल करता है जो थोड़े को अवेलेबल है वो चीजा तुसी पा लो, ठीक है। 1 टेबलस्पून वो भी चला लें। अब हम इसको करते हैं अच्छे से मिक्स। इन्हों चिकन थोड़ा खुश करना है क्योंकि चिकन बेचारा बहुत उदास हो गया कि वो कोई मसाला वगैरह नहीं है, ठीक है। तो इस स्टेज पर मुझे लगता है कि थोड़ा सा ऑलिव ऑयल थोड़ा होर पा लिए, ठीक है। अच्छा जी, इसमें मेरी बेटी थोड़ी सी हेल्प कर रही है बेचारी, जो साथ वीडियो बना रही है तो उसको बहुत शौक चढ़ा हुआ है कि वो भी साथ करे, ठीक है। बस बस बस, ये देखिए माशाल्लाह से कितना खुश खुश मसाला बन गया है, तो हूँ नाल ही साड़ा चिकन भी खुश खुश हो जाएगा ना क्योंकि उन्होंने थोड़े मसाले चाहिए। अच्छा ये देखें इस तरह मैं इनके ऊपर ये मसाला सारा आलू, ये आलू भी साथ हैं, ठीक है। ये मरोकन डिश है, बहुत मज़े की ये बनती है, आप ज़रूर ट्राई करें, इसको बनाएं और बच्चों को भी खिलाएं और ख़ुद भी खाएं, इंजॉय करें, ठीक है। इस तरह आप सारा इनको मसाज कर दें, ठीक है, इन्होंने थोड़ा थोड़ा मसाज की ज़रूरत है, इन्होंने मसाज कर दे, ठीक है जी। ये बेचारे हूँ थोड़ा सा खुश हो गया कि चलो मैनू थोड़े थोड़े मसाले मिल गए, ठीक है ना, क्योंकि अगर सानू खुश रहने का हक है तो बेचारे ने भी तो खुश रहने का हक है ना, जो सा ठीक है। अच्छा बाकी मसाले मैं इस साइड पे लगा रही हूँ। अच्छा जी, यहाँ पे मैं साथ थोड़ा सा लेमन रख रही हूँ, ठीक है,
ताकि थोड़ा सा लेमन का भी टेस्ट इसमें आ जाए। नहीं कटे अच्छा जी, तो अच्छा जी, तो हमारे साथ अब हम इसको रखते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अवन को मैंने पहले प्री हीट कर लिया हुआ है, ठीक है। तो इसमें ये जाएगा चिकन, फिर तो मैं 6 गैस मार्क पे रखूंगी, ठीक है। बाकी सबके ओवन का डिफरेंट टेम्परेचर होता है और डिफरेंट होता है। ये जो अभी आपको थोड़ा सा मैस वगैरह नजर आ रहा है तो सॉरी हूँ इसके लिए, क्योंकि रमजान है तो रमजान में खली बली मची होती है, तो इसलिए थोड़ा सा माइंड ना करें, ठीक है। तो बाकी मिलते हैं आपसे जी। आए मैं आपको एक दफा दिखा दूं कि किस तरह होगा अभी चिकन। ये देखिए माशाल्लाह से बिल्कुल होने वाला ही है, ऊपर से सारा सुरख सुरख हो गया। ये देखिए मैं आपको दिखाती भी हूँ, ये देखिए माशाल्लाह से। तो अभी इसको 20 मिनट हुए हैं, तो 20 मिनट के लिए और रखते हैं, 20-25 मिनट के लिए, ताकि ये अच्छे से ब्राउन हो जाए और क्रिस्पी ऊपर से हो जाए, ठीक है। तो फिर हम आपको दिखाते हैं जी। आए अब चिकन हो गया, तो आपको दिखाते हैं। छोटे वाले को बॉक्स पर रख देते हैं। तो ये लीजिए जी हमारा ये है चिकन। देखिए हमारे जजीरा हैमर रेडी है, रेसिपी बहुत मजे की बनी है। आप इसको जरूर ट्राई करें और इसको खुद भी खाएं, दूसरों को भी खिलाएं, दोस्त अहबाब को भी खिलाएं, और इस रेसिपी को आप शेयर करें, लाइक करें, और हमें ये भी बताया करें कि आप कौन से और किस शहर से देखते हैं हमें, क्योंकि इससे हमें बहुत अच्छा लगता है। तो जाते जाते हमें दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।